हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप सिंह परमार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है मनदीप सिंह परमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS क्लासेस बाय मनदीप परमार में, जहां आज हम देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, करणी एवं घातांक से रिलेटेड वीडियो नंबर 3, जिसमें कि आपको नंबर सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि √35 + 2√35, फिर उसके बाद ये सब रिपीट होते जा रहे हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, दो मेन शस्त्र कौन से हैं आपके, एक्यूरेसी एंड स्पीड। आपको स्पीड से भी करना है और ठीक करना है। अब इसके लिए आप माना एक्स वगैरह में लग जाओगे तो आपका लगेगा टाइम ज्यादा। तो आपको क्या करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट देखिए, जब सेम चीज रिपीट हो रही हो और आगे भी वाली चीज जो है वो भी रिपीट हो रही हो, तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपकी है जो अंडर रूट में बार बार जा रही है, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो 35 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनके के बीच में घटाने पे डिफरेंस जो है वो 2 आना चाहिए। 7 × 5 या 5 × 7 के कुछ भी लिख लो, डिफरेंस कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 2। अगर प्लस दिया हुआ है, अगर संख्या में प्लस दिया हुआ है, तो जो बड़ी संख्या है ठीक है वो आपका आंसर हो जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या है आपकी, 7, तो 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस दिया हुआ है तो जो सबसे छोटी संख्या, जो छोटा फैक्टर है स्मॉल, वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे अगर माइनस होता प्लस की जगह पे, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 5। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने यही डिस्कस किया था कि जब अंदर वाली चीज भी रिपीट हो रही हो और अंडर रूट के बाहर वाली भी रिपीट हो रही हो, तो हमें अंडर रूट वाली संख्या के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि जिनका डिफरेंस 4 आ जाए। तो 77 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, 7 × 11, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। क्वेश्चन किस में है, माइनस में। माइनस जब होता है तो कौन सी संख्या आंसर होती है, जो छोटी होती है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 7। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 42 42 बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन अंडर रूट के बाहर वाली तो कोई संख्या दिख नहीं रही, कुछ नहीं दिखता, तो वहां क्या होता है, 1। तो आपको अब ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। अगर 42 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ऐसे 2 × 3 × 7 होते हैं फैक्टर, तो बट आपको किन्हीं दो संख्या और तीन संख्या कैसे भी मल्टीप्लाई करो, बट डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 1 का। तो 6 × 7 प्लस का चिन्ह है, तो आंसर कौन सी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, ऑप्शन सी करेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए, अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें कि आप फैक्टर ही नहीं कर पाओगे, जिन संख्या के आप फैक्टर नहीं कर सकते, जैसे कि 7 के आप फैक्टर कर नहीं पाओगे। देखिए आगे यहाँ एक एक बच रहा है मान लीजिए, अब 7 के ऐसे कोई फैक्टर बताओ जिससे कि घटाने पर दोनों फैक्टरों को आपस में एक निकले, तो 7 के तो फैक्टर होते ही नहीं है क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो आपको करना होता है आगे, और अगर माइनस का चिन्ह दिया होता, अगर माइनस का चिन्ह दिया होता तो आपको देखना होता पीछे, अपने पीछे नहीं संख्या के पीछे। जैसे कि यहां पे 7 जो है वो प्लस में है, तो 7 से आगे ऐसी संख्या देखिए जिनके के फैक्टर करने पर दोनों का डिफरेंस फैक्टर का 1 का रहे। अगर वहीं पे ये 7 के बीच में माइनस होती तो आपको 7 से पीछे लौट के आना पड़ता और ऐसी संख्या देखनी पड़ती कि जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 होता। तो 7 से आगे अगर देखें तो 7 से आगे आएगा 8, 8 का अगर फैक्टर करें तो 4 × 2 नहीं हो रहा ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 2 का आ रहा है। 9 3 × 3 डिफरेंस 0 हो गया, नहीं हुआ। फिर 10 का भी नहीं हुआ, 2 × 5 11 का भी नहीं हुआ, किसका हुआ जाके, 12 का, 3 × 4 क्या क्या फैक्टर निकले, 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच। अगर आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछा जाए कि एग्जैक्ट बताओ पॉइंट्स में भी क्या होगा, तो फिर इसका आंसर होता है अंडर रूट 1 + 4a + − 1/2।
ए क्या है यहाँ पे, जो संख्या आपकी अंडर रूट में दी गई है। और प्लस माइनस का क्या मतलब, अगर यहाँ प्लस पूछा गया तो यहाँ प्लस लीजिए, अगर यहाँ माइनस पूछा गया तो यहाँ पे माइनस लीजिए। तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 4, ए की जगह पे कितना लिखना है आपको 7, प्लस का चिन्ह है सब में, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, 1/2। ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 28, 28 एंड 2 30, 30/2 15, तो अंडर रूट 15 आपका आंसर हो गया। या फिर अंडर रूट 15 को भी आगे सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर निकल के आएगा। अगर अंडर रूट 15 का भी देखें तो ये देखिए 4 से कम रह रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो बी मोटा मोटा जो भी है लगभग वाला 3 व 4 के बीच में, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट वगैरह सब कुछ निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपकी सुविधा के लिए आप ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हर कोई नहीं बताएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप करके देखिए। जैसे कि यहां पे अगर आप देखो माइनस दिया हुआ है 5, तो 5 से पीछे लौट के आओ, ऐसी कौन सी संख्या, 4 के नहीं होंगे, 2 2 हो जाएंगे तो 2 और 2 डिफरेंस 0, फिर 3 आएगा, 3 के फैक्टर 1 और 3, डिफरेंस रहा 2, ये भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अब आई 2, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, डिफरेंस कितना हुआ 1 का, तो 1 व 2 के बीच ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये थे आपके नंबर सिस्टम के अंदर पूछे जाने वाले सर्ट्स एंड इंडिसेस के ऑपरेशंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी पेन उठाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ फ्रेश टॉपिक के साथ।